हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल चाल? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र करन दवा। तू समा ठीक है? तू सुना लाला, मैं तेरे मुजरम हां। दसिए तेरे मुजरम हां, साडी मार तुरन दे ने। किथों आए हो? किथों आए हो? हां किथों आए हो? तेरे मुजरम तू तड़के पुछन दे हैं किथों आए हो? और ये देखिए, ये बाजार है, ये वाला ये भी बंद हो गया पानी की वजह से। इधर सामने देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल और करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। व्यूअर, बहुत ज़्यादा ठंड बनी हुई है। कल तो धूप निकल आई थी, पर आज तो मुझे नहीं लगता धूप निकलेगी। काफ़ी ज़्यादा ठंड बनी है। सुबह सुबह ना हल्की हल्की बारिश भी हुई है, पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। अभी आ भी सकती है क्योंकि बादल काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। अभी इस वक्त मैं और मेरा जो भाई है छोटा कीज़र, हम लोग अभी आए थे पालक लेने के लिए। जो हम लोगों ने डेटे काट की है वो हम लोगों ने आज पालक काटनी थी, इसलिए अभी हम लोग पालक लेने आए हैं। ये देखें, खिजर काट रहा है और अभी मैं भी साथ काटता हूँ। इस फिर उस चापर में डाल के ले जाएंगे घर। काफ़ी ज़्यादा थी, बड़ी बड़ी थी, हम लोग काटते रहे ना, इसलिए अब थोड़ी हो गई और छोटी भी है। अभी यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया एक साइड से। चल 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 चल। अभी इस वक्त हम लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। पर आज हम लोगों ने अपने तालाब जो हम लोगों ने छोटा सा बनाया ना जानवरों को पानी पिलाने के लिए, उधर से नहीं पिलाना क्योंकि पानी उधर खड़ा रहता है तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा, पानी ठंडा होता है। इसलिए हम लोग जानवरों को नहीं पिलाते क्योंकि ठंडा पानी उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम लोग ना जो हमारा नलका है वहाँ से पानी पिलाते हैं। उसके आगे हम लोगों ने एक बटर रखा हुआ है, वो भरते हैं, वहाँ से पानी पिलाते हैं। जो पानी है वो भी गर्म होता है, इसलिए हम लोग ना गर्म पानी की वजह से नलके से ही उनको पिलाते हैं। अभी मैं पिला रहा हूँ जानवर, एक एक करके खोल के लेके जा रहा हूँ नलके के पास। वो सामने हमारा नलका है, वो रजा खड़ा, वो भर देता है और मैं ना जानवर खोल के वहाँ ले जाता हूँ। अभी ये वाली गाय है, मैं लेकर जाने लगा हूँ साइड पे। हो चल, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। जो अद्धे तुझ घट हो जाते ना उदो भरया कर। अभी ये जो हमारे बछड़े हैं ना, इनको हम लोग पानी पिला रहे हैं। जो बटल हम लोग इधर उठा के लेके आए क्योंकि ये डरते हैं, नलके के पास नहीं जाते, उधर से डरते हैं इसलिए पीते नहीं। भाई साहब मुझे बाद में देख लेना, पहले पानी पी लो। इनको पिला दिया, वो रह गया। और लड़ाई मत करो, लड़ते बहुत हैं। क्यों लड़ते हो? ये देखो व्यूअर, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। देखिए बड़ा बेताब है, हमें सबसे ज़्यादा इसे डर लगता है क्योंकि ये आगे से मारता है। इसे डरा के रखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, इसका हम लोग डरा के रखते हैं, दूर से मारता है। ये देखिए, ठहर जा तेरी, हप चल तेरी, चल तेरी। और व्यूअर एक और बात, मैं ना कोट लेके आया था, ये वाला जो मैंने पहना हुआ है ये मैं लेके आया था, आप लोग चेक करें। ये मैं 4000 रुपये का लेके आऊँ, आप लोग देखें कि वाकई ये 4000 क्या है या नहीं। हम लोगों ने ना काम बांटे हुए, आधे लोग जो चारा काट रहे हैं, मेरे चाचू भूसा लेके आ रहे हैं, और मैं और रजा हम लोगों ने जानवरों को पानी पिलाना, और वो जो कमरे है ना उधर से हम लोगों ने गोबर उठानी है। अभी हम लोगों ने पानी पिला लिया, अभी गोबर उठाने लगे हैं। इसके अलावा हमें कोई काम मिल जाए उसका कोई पता नहीं। फिलहाल हमारा काम जो है ना, हम दो लोगों का यही काम है। और ये देखें, ये है हमारी शेरनी, चेक करें। इसका जो सारा कलर है ना वो शेरों जैसा ही है, बस आगे जो है ना मुंह है ना जो वो डॉग वाला है। अब ये देखें मेरे साथ खेलना चाह रही है, ये देखें। इसके मुंह के आगे हाथ रख देना तो समझ ले पीछे से ये शेर ही है। इसका कलर सारा शेरों वाला है, करीब से दिखा देता हूँ। ये देखें, लगता है ना भाई? ना ना अभी नहीं खोलना, फिर तंग बहुत करते हो। व्यूअर ये देखें माशाल्लाह हमारी गंदम, इस दफ़ा हमारी गंदम बहुत अच्छी है, काफ़ी है। एक लाइन हमारी ये थी जो भी मैंने आप लोगों को अभी दिखाई है, और ये वाले ये वो आगे सड़क आ जाती है वहाँ तक भी हमारी गंदम है माशाल्लाह। और उधर से भी सड़क जहाँ जाती है ना वहाँ से लेकर सीधा जहाँ तक ये ख़त्म होती है ना, वो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये जो मेरी फिंगर के पास जो है वहाँ तक हमारी, और ये भी लाइन वहाँ तक की है। तो माशाल्लाह इस दफ़ा हमारी गंदम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह से हमारी टोटल जो है ना 9-10 एकड़ के करीब ना हमारी जो गंदम है इस दफ़ा। बाकी कुछ हम लोगों ने इसमें से चारा भी काश्त किया हुआ है, और हमारे गांव के करीब करीब जितनी भी ज़मीनें हैं ना
उधर सेम आ गया, बहुत ज़्यादा सेम आ गया। उन बेचारों की फसलें नहीं हुई, हमारे पास तो लाख चुकर इधर सेम नहीं आई, पर अल्लाह करे उनकी भी हो, हम तो नहीं चाहते कि उनकी ना हो, अल्लाह करे उनकी भी हो, सेम ख़त्म हो। और अभी मैं आप लोग को एक लहसुन दिखाता हूँ, एक तो आम लहसुन होता है ना ये वाला, ये होता है आम लहसुन, आम काश्त किया जाता है। इस बार पहली दफ़ा ही हम लोग ना लेके आए हैं, मेरे अबूजान लेके आए थे, थोड़ा सा मेरे अबूजान लेके आए थे, वो हम लोगों ने काश्त किया। अभी मैं आप लोग को वो दिखाता हूँ, दूसरी तरफ हो रहा आम, और ये देखें ये है इतना इतना मोटा, ये देखिए इसके पत्ते देखें कितने बड़े हैं। ये हम लोगों ने लगाया, काफ़ी ज़्यादा लगाया था, कुछ उगा ही नहीं है, कुछ हम लोगों ने ना ऐसे पाँव के नीचे दे दिया और वो उगा ही नहीं। ये देखें माशाल्लाह इतना इतना बड़ा, और ये मुझे लगता है काफ़ी महंगा भी होगा। हम लोगों ने तो ये थोड़ा सा लगाया, और इसकी सफाई करने वाली है, वो भी मैंने करनी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र करम दवा, तू समा ठीक है, तू सुना लाला अच्छा तेरे मुजरा मैं हां नसी है मुजरा मैं साडी मार तुरन दे ने किथों आयो हैं किथों आयो मुजरा मैं तू सड़क पूछंदे हैं किथों हां मुजरा मैं रोने ने जो कहता हूं कहता मैं मछली घर में हां अंदर मछली घर में ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਆ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਡੇਰੇ ਵੜ ਕੇ ਜੋ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਕਿਆ ਆਇਆ ਅਰੇ ਮੁਜਰਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਈ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵੜ ਕੇ ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਸਾਡੇ ਚ ਨਾਲਾ ਤੋਸੀ ਕਰ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਕਿਆ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਆ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਆ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੱਥ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਰੋਕ ਕਿਉਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਲੋ ਦਾਤਰੀ ਲਗਾ ਲੈ ਸਲਾਮ ਉਹ ਦਾਤਰੀ ਲਗਾ ਲੈ ਯਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ पैसे बन गए ने बड़े दिनों खान दिया तू 5-6 रुपया बन गया। वेलकम बैक व्यूअर, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सेम आ गई है, और वो हमारे गांव के करीब भी ज़्यादा है। अभी मैं चल के आप लोगों को दिखाता हूँ, हमारे घर से थोड़ी ही दूर है, हर तरफ पानी ही पानी हो गया, अभी चल के दिखाता हूँ। दूसरी बात, हमारे पास सर्दी भी ज़्यादा है इसलिए क्योंकि हर तरफ सेम है, हर तरफ पानी ही पानी है, इसलिए हवा भी चलती है और हमारे पास सर्दी जो है वो ज़्यादा है। देखें व्यूअर इधर पानी चेक करें आप, ये साथ मेरे ताए लोगों की वेली है, और उसके उससे भी पानी आगे आ गया। ये देखें गांव में पानी दाखिल हो गया, वो सामने फसलें हैं वो वाली, तो वहां से पानी जो है ना गांव में दाखिल हो रहा है। ये देखें इधर जानवर बंधे हुए हैं, उनके बीच में पानी आ गया। ये देखें इधर सामने देखें, और ये देखें ये बाज़ार है ये वाला, ये भी बंद हो गया पानी की वजह से। इधर सामने देखें बहुत ज़्यादा सेम आ गया है, बहुत ज़्यादा। और नीचे मिट्टी देखें, ये भी वाइट हो गई है और गीली हो गई है। गांव की दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ, इधर भी कोई फसल नहीं हुई, और जो दरख्त हैं वो भी सूख रहे हैं। ये देखें इधर भी पानी अभी और बढ़ रहा है पानी। तो नुकसान ये होता है कि जहाँ सेम आ जाए ना उधर कोई भी फसल नहीं होती, और दरख्त भी आस्ते आस्ते सूख जाते हैं। बस अल्लाह करे ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, आप लोग भी दुआ करें। ये आप लोग खुद देख लें कि जहाँ तक वो बहुत दूर तक नज़र भी नहीं आ रहा, वो जो सामने थोड़े थोड़े आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ तक हमारे गांव की हदूद ख़त्म होती है, और वहाँ तक सेम ही सेम है। और आप देख लें कि वहाँ तक कोई दरख्त भी नहीं है, कोई फसल भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, हर जगह जो है ना पानी पानी है। जहाँ पानी नहीं है उधर फसल नहीं होती। बस दुआ करें, आप लोग भी दुआ करें कि जल्दी जल्दी ये सेम ख़त्म हो, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं उनकी यही उम्मीद होती है, यहाँ से उनको कुछ मिलना होता है, यहाँ वो फसलें काश्त करेंगे। तो आप लोग भी दुआ करें जल्दी जल्दी ये सेम ख़त्म हो और लोग नई फसलें काश्त करें। तो यही मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मैं दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।